dear students, welcome on RCI Online Pathshala. Now we discuss some important problems based on cube root of unity. देखिए, cube root of unity को करने से पहले जो last class में हमने समझा था उसका last में बता दूं कि omega cube equal to 1 बताया था मैंने, और 1 plus omega square क्या था? 0. वहाँ पर omega की value थी -1/2 plus iota √3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1/2 माइनस आयोटा √3/2. ये था, तो अब ध्यान देना आप कोर से ना. देखो, अगर कहीं आपको मिले, लिखा मिले ओमेगा की पावर 39, तो इसका वैल्यू क्या होगा? आप सीधा 3 से डिवाइड करो. देखो, 3 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, कंप्लीट जा रहा है ना. 13 टाइम्स आ रहा है, तो ओमेगा की पावर 0 लिख दो आप, क्या आया 1 आंसर. ठीक है ना, आपको केवल रिमाइंडर लिखना है. रिमाइंडर है नहीं तो 1 लिख दो डायरेक्ट. ठीक है, अब ओमेगा की पावर जैसे होता 44, तो क्या लिखते हैं आप, 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 14 3 42, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2. तो यही आपका आंसर है, समझ गए. आपको केवल ओमेगा के ऊपर रिमाइंडर लिखना है. देखो, आयोटा के क्वेश्चंस कराए थे मैंने, तो आपको मैंने क्या कहा था, 4 से आप डिवाइड करो, लेकिन यहां किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि वहां तो था आयोटा की पावर जो 4 था वो 1 था, लेकिन यहां क्या है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 है. एक कम हो गया ना, इस वजह से. अगर कहीं आपको ओमेगा की पावर 173 लिखा मिले तो क्या करोगे, ओमेगा की पावर, अब इसमें आप क्या करो, डिवाइड करो किससे, 3 से, तो 3 5 15, 2 3, और 3 7 21, 2 बच गया, तो ये लो ओमेगा स्क्वायर. सही है ना. इस प्रकार से आपको केवल और केवल क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है. अब उसके बाद क्वेश्चंस देखिएगा. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको गौर से देखो. देखो भाई, इसको देखने के बाद मैं एक बार लिख दूं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. ये आप क्या करते हो, वी अनो दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है. तो देखिए, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर क्या है, 5, प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या है, 5. अब इसके बाद देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, जस्ट ले जाओ माइनस ओमेगा, और एक माइनस ओमेगा ये रहा, इसको मैं लिखता हूं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा, इसका पावर 5. प्लस के बाद देखिए क्या करोगे, 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा. यहां से देखो ना, 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5. कंप्लीट. अब देखो ये क्या हो रहा है, माइनस 2 ओमेगा की पावर 5, ठीक है, और प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ गया, 5. ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना है. देखो, पावर क्या है, ओड है, तो बाहर माइनस आएगा, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5. ऐसे ही देखो, पावर ओड है तो ये माइनस इधर लगेगा, और 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10. कंप्लीट. अब देखो, ध्यान देना, माइनस 2 की पावर 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या आया, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, और ये क्या होता है, माइनस का 32, और ओमेगा 5 क्या होगा, देखो इस 5 में 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर. केवल हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है. तो यहां ये हो गया, और यहां पे देखो, प्लस 10 में 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 3 9, 1 रिमाइंडर आया, तो 1 लिख दो. इसको थोड़ा सा आप सही लिख लो, माइनस 32, और क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो बच्चों देखो, माइनस 32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1. तो इसकी जगह माइनस 1 करो तो क्या आया, 32. यही आपका क्या है, आंसर है. देखो, क्वेश्चन केवल और केवल पूरा इन दो पर बेस्ड है.
ठीक है ना। और ये फॉर्मूले अगर याद है और ये मैंने लिखा है ऐसा, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो जब आप वीडियो देखे ना तो हर स्टेप को देखे साथ साथ और उसको फिर लिखते चले, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन से स्टेप में क्या किया है। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप ओमेगा की पावर से 91 लिखा हुआ मिले तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करो 3 से, तो 3 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बच गया ना, 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसको 91 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो आप उस रिमाइंडर को इसके ऊपर लिखो ओमेगा के, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए, अब मैं ये निचले वाला क्वेश्चन है इसको भी सोल्व कर देता हूं लगे हाथ। अब ध्यान देना है, देखो साइन, अब ओमेगा की पावर 10 है, अभी क्या बोला है मैंने, इसके ऊपर देखो क्या है, 1 आएगा, 1 क्यों आया समझ गए, क्योंकि मैंने 3 3 9 रिमाइंडर कितना बचा 1 प्लस 3 7 21 तो क्या आया ओमेगा स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखो ध्यान देना क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, फॉर्मूला है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस 1, क्या आया माइनस 1। अब उसको वहां पे रखो तो साइन, और देखो ये हम माइनस 1 लिखा तो ये क्या बन गया माइनस पाई, और माइनस पाई बाई 4 आया, ठीक है। अब देखो साइन, गौर करना, ये माइनस में कॉमन लेता हूं और पाई प्लस पाई बाई 4 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो देखो ध्यान से, माइनस साइन और क्या करोगे पाई प्लस पाई बाई 4, तो ए एस टी सी, तो क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, देयरफॉर माइनस एक तो है आपके पास, एक और आ जाएगा और क्या करोगे साइन पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कंप्लीट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन ही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन ने आपको 2 चैप्टर का यूज करवा लिया, पहला आपको किसका आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो देखिए इस ही क्वेश्चन के साथ जो मुझे आपको ऑनलाइन में जितना पढ़ाना था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है, और इसके बाद आपका नया चैप्टर देखेंगे कौन सा लेते हैं, और शायद तब तक तो आप ऑफलाइन क्लास में भी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।